क्या लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाएंगे अखिलेश माया? क्या अखिलेश माया के सामने छोटे मैदान में बड़ी जीत की चुनौती है? आगामी लोकसभा चुनाव SP BSP के लिए करो या मरो वाला साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में SP के खाते में जहां सिर्फ 5 सीटें आई थी तो वहीं BSP खाता भी नहीं खोल पाई थी। BJP से मुकाबले के लिए दोनों ने हाथ मिलाकर प्रदेश की करीब आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में दोनों के सामने इस बार बड़ी जीत दर्ज करने का दबाव भी होगा। दरअसल पहले फेज में मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना पर चुनाव होना है। 2014 में इन सभी सीटों पर SP के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि तब मोदी लहर और वेस्ट UP में उभरे स्थानीय समीकरणों के चलते कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका था, लेकिन इस बार BSP से गठबंधन के चलते 8 में से सिर्फ 2 सीट कैराना और गाजियाबाद से SP चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश पर दबाव रहेगा कि वो दोनों सीटें जीत सके। सियासी जानकार कैराना सीट पर गठबंधन की जमीन मजबूत आंक रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कैराना सीट पर गठबंधन उपचुनाव में जीत चुका है। दूसरे वहां MLA भी SP का ही है, लेकिन गाजियाबाद सीट पर SP का मजबूत आधार नहीं रहा। वहां पार्टी को कड़ी मेहनत करनी होगी। SP के पास अपना कोई बड़ा चेहरा भी इस सीट पर फिलहाल नहीं है। ये कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। वहीं गठबंधन में शामिल BSP प्रमुख मायावती पर भी पहले फेज की 8 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती रहेगी। इन 8 सीटों में ही मायावती को जन्मभूमि गौतम बुद्ध नगर और कर्मभूमि सहारनपुर, बिजनौर और कैराना शामिल है। मायावती बिजनौर से पहली बार सांसद बनी थी। सहारनपुर की हरौड़ा सीट से पहली बार विधायक बनी। वहीं कैराना से MP का पहला चुनाव लड़ा। गौतम बुद्ध नगर के बदलापुर में वो पैदा हुई। यही नहीं, गठबंधन में उनके पास 8 में से 4 सीटें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर भी है। इन चारों जगह से उनके सांसद पहले चुनावों में जीत चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि SP BSP साथ मिलकर कितनी सीटें अपने नाम करती हैं। इंडिया न्यूज़ फेडरल की रिपोर्ट।